और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में कैब की सवारी की। उन्होंने अपने फोन से 10 जनपद के लिए टैक्सी बुक की और इस दौरान उन्होंने कैब के ड्राइवर सुनील उपाध्याय से ड्राइवरों की परेशानी के बारे में भी जाना। कभी मैकेनिक, कभी कारपेंटर, तो कभी ट्रक ड्राइवरों के बीच पहुंचकर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार दिल्ली में उबर कैब की सवारी की। उन्होंने अपने फोन से ही इस उबर कैब को बुक किया और इस दौरान वो ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर ही बैठे और सफर के दौरान उन्होंने कैब ड्राइवर से उनकी परेशानी के बारे में जाना। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है? सुनील उपाध्याय। अच्छा, कहाँ के हो? उपाध्याय जी, एटा से। कब से चला रहे हो? 5 साल हो गए। शुरू क्यों किया? पहले मैं कंपनी में जॉब करता था। हाँ। फिर शादी हो गई। अच्छा। शादी होने के बाद इसी लाइन में आ गया। और कितने घंटे चलाते हो? सर इसका कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 12-12 दो दिन हो जाते इसी में ही पड़ा रहता हूँ। पहले वही रेट 30 रुपए CNG थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी। वो आज 90-95 हो गए, वही रेट आज। टैक्सी वालों कोई वैल्यू नहीं करता है। जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है वहाँ ओला उबर जाती है, चाहे दंदल हो, तालाब हो, कितना भी पानी, कल यहाँ तक बोनट तक पानी था, लेकिन कस्टमर उतरा नहीं। मुझे तो वही छोड़ो। राहुल गांधी ने कैब ड्राइवरों के हालात कैसे सुधरे इस पर भी राय ली। दो काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ दो काम कर सकें तो क्या हो सकता है? एक तो पेंशन का आपने कहा, ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए, रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के, माँ कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये निकाल, बाकी में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं। मतलब मिनिमम वेज होना है, कम से कम। हाँ, कम से कम जिंदा तो बने रहे। ये जितने गाड़ियाँ लेनी ना सर, किस्ते नहीं डाल पा रहे, ये कंडीशन। सारे टैक्सी वाले रो रहे हैं इसका। राहुल गांधी से बातचीत के दौरान कैब ड्राइवर ने शीला दीक्षित सरकार के वक्त किए गए विकास के कामों की भी खूब तारीफ की। अरे ये आजकल जो इतना यहाँ पे शीला दीक्षित थी, यहाँ सारे फ्लाईओवर दिल्ली में जो काम है, सारी देन शीला दीक्षित की देन है। सही बात। तो ये कौन बनवा गया भाई? आसमान से तो नहीं गिरे। नहीं, ये कौन बनवा गया? इस सफर के बाद राहुल गांधी कैब ड्राइवर के परिवार से भी मिले और उनके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खाया। आप भी यूपी के हैं? हाँ, कानपुर से हूँ सर, मैं कानपुर, लेकिन मैरिज मेरी एटा में हो गई, तो मैं एटा शिफ्ट हो गई। इस दौरान राहुल गांधी ने कैब ड्राइवर सुनील के बच्चों से भी काफी देर बात की।